तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए, जिस केस में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, वहां पर प्राइस डिसाइड होता है। वो प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गई। अब मान लीजिए इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे दे दिया, जैसे कि हम ये सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें हमें डिमांड की इक्वेशन दी हुई है जो कि है हमारी 100 माइनस 50p, यानी कि ये 5p, ये है हमारी 100 माइनस 5p, ये हमें गिवन है। इसी तरीके से सप्लाई दी हुई है माइनस 10 प्लस 5p, माइनस 10 प्लस 5p, माइनस 10 का मतलब है ये नीचे से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, बाकी का कोई इसका बेसिक मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि इस इक्विलिब्रियम पर ये प्राइस कितना है और ये क्वांटिटी कितनी है इस इक्वेशन के थ्रू। तो हालांकि इसको मैथमेटिकली भी डेरिवेट करके हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिंपल तरीके से सीखें, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो डिमांड है हमारी 100 प्लस 5p इक्वल टू, सॉरी ये माइनस फाइव पी इक्वल टू माइनस 10 प्लस 5p। तो डिमांड सप्लाई को बराबर कर दिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये बचेगा हमारा, एक तरीके से आप कह सकते हो, एक मिनट ये इक्वेशन हम देख लेते हैं एक बार। ये है, अच्छा ये हमारा ना इक्वल का निशान था, माइनस नहीं था, इक्वल था, सॉरी एक मिनट बेटा, ये इक्वल का निशान था। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस में आएगा और इस तरफ जाएगा तो ये 90 बचेगा इक्वल टू 10p। तो जो पी की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 9। तो ये प्राइस की वैल्यू हमारी हो गई। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी डिमांड हमें पता था कि 100 माइनस 5p था, और 5 में पी की जगह हम 9 लिख देंगे तो जो आंसर आ जाएगा क्वांटिटी का वो 55 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस होगा ये 9 रुपीज होगा और जो क्वांटिटी होगी ये 55 होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद उन्होंने पूछा है अभी क्वेश्चन में कि इफ द गवर्नमेंट सेट अ मिनिमम प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, हाउ मैनी यूनिट्स वुड बी सप्लाइड एंड हाउ मैनी यूनिट्स वुड बी डिमांडेड। यानी कि अगर गवर्नमेंट प्राइस को ₹10 सेट कर दे, कितना सेट कर दे, ₹10 सेट कर दे, तो ₹10 का मतलब ये हुआ कि प्राइस ये वाला सेट हुआ है ₹10 पर। तो इस प्राइस पर आप देखोगे कि सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, डिमांड हमारी कम है, जिसको कि हम एक्सेस सप्लाई के नाम से भी जानते हैं, एक्सेस सप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक्सेस सप्लाई की वैल्यू कितनी है। तो हम देखिए क्या करते हैं, डिमांड इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें पता है कि QD क्या फार्मूला हमारा है, 100 माइनस 5। अब प्राइस को हमने मान लिया 10। जब आप प्राइस को 10 मानोगे तो ये जो आंसर आएगा इट विल बी 50। इसका मतलब अगर प्राइस 10 हो जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांड होगी इट विल बी 50। और इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी सप्लाई का है हमारा 10 प्लस 5 इंटू 10, यानी कि ये हमें इक्वेशन दी हुई है 10 प्लस 5p, तो 5 का मतलब 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा एक्सेस सप्लाई जो है वो हो जाएगी 10, ये हमारी एक्सेस सप्लाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी।
अब तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द गवर्नमेंट सेट अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम प्राइस ₹5, यहां पे मिनिमम प्राइस ₹10 सेट किया था और यहां पे मैक्सिमम प्राइस जो है वो ₹5 सेट कर दिया, हाउ मेनी यूनिट वुड बी सप्लाइड एंड हाउ मेनी यूनिट वुड बी डिमांडेड। तो प्राइस को ₹5 सेट करके एक बार हम देख लेते हैं, यानी कि प्राइस को ₹5 सेट करने का क्या मतलब है, यहां पे प्राइस सेट कर दिया ये ₹5, तो डेफिनेटली अब आप देखोगे तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। तो अब आपको बताना है कि एक्सेस डिमांड की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे निकालेंगे क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 100 माइनस 5 और इनटू 5, क्योंकि प्राइस को हमने ₹5 मान लिया, इसलिए क्वांटिटी डिमांड जो आएगी वो 75 आएगी। इसका मतलब जो क्वांटिटी डिमांड है इट विल बी 75। इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई अगर आपको निकालना हो तो क्वांटिटी सप्लाई हमें दे रखी है 10 प्लस 5, और पी की वैल्यू हम लिख देंगे 5, तो 25 को 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35 तो ये हमारा 35 है। इसका मतलब ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक्सेस डिमांड। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया, ऊपर वाला कहलाएगा एक्सेस सप्लाई, नीचे वाला कहलाएगा एक्सेस डिमांड। ठीक है जी, इफ द डिमांड इंक्रीज टू इतना, अगर डिमांड बढ़कर इतनी हो जाती है, डिटरमाइन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि हो क्या रहा है बच्चों, पहले जो डिमांड थी अब वो डिमांड बढ़कर हो गई इतनी, यानी कि डिमांड जो है वो बढ़ गई, मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, सपोज कीजिए डिमांड बढ़ गई, अब ये हम कोई प्राइस नहीं ले रहे तो डेफिनेटली ये जो इक्विलिब्रियम है ये चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होगा इसकी बात हमें पता करनी है, बेसिकली हमें यही पता करना है कि ये क्या रहेगा, तो डायग्राम मैं आपको बाद में बना दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कि कैसे हम निकालेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पता है कि क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होती है, इसलिए नई डिमांड आ गई है 200 माइनस 5p, ये यहां पे लिखा हुआ है ना 200 माइनस 5p, 200 माइनस 200 जबकि सप्लाई जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये इस तरफ चला जाएगा तो ये 190 बचेगा, 190 को डिवाइड कर दोगे आप 10 से तो इसका मतलब प्राइस जो आएगा वो ₹19 आएगा, यानी कि अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, मैं सप्लाई बढ़ा के दिखा देता हूं, सॉरी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने से ये जो प्राइस वो हुआ है इक्विलिब्रियम ये हुआ है ₹19। क्वांटिटी कितनी है अगर हमें ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, 10 प्लस 5 और ये कर देंगे 19 तो ये आ जाएगा 95 में 10 जोड़ेंगे तो 105, यानी कि अब जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 105 पर होगी। तो इस तरीके के बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की प्रयास किया है किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि अगर आपके सवाल आ जाते हैं डिमांड सप्लाई से रिलेटेड तो इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं, UGC नेट, PGT इकोनॉमिक्स, इग्नू, तमाम कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।